Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अदालती अहकाम के बावजूद अवामी तहरीक आज मॉल रोड पर धरना देने के लिए तैयार। स्टेज और कुर्सियां लगा दी गईं, कंटेनर भी पहुंचा दिया गया। ताहिरुल कादरी कहते हैं सानहे मॉडल टाउन के शोहदा के लवाहिकीन इंसाफ मांग रहे हैं। नाअहली के बाद नवाज शरीफ के दिल में अवाम का दर्द जा गया है। पाकिस्तान अवामी तहरीक को मॉल रोड पर धरने की इजाज़त मिलेगी या नहीं, फैसला आज होगा। अवामी तहरीक अपना तफसीली जवाब आज लाहौर हाईकोर्ट में जमा कराएगी। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने धरने की तैयारियां रोकने का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ फॉरन फंडिंग केस की समाअत आज, जवाब जमा न कराया गया तो इलेक्शन कमीशन आज फैसला सुना देगा। ओपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का मिशन, मुस्लिम लीगाफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन आज कराची जाएंगे। दौरे के दौरान सियासी जमातों की क्यादत से मुलाकात होगी। कहते हैं अदलिया को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। वफाकी काबीना ने कराची के लिए 25 और हैदराबाद के लिए 5 अरब के पैकेज की मंजूरी दे दी। गवर्नर सिंध इंतजामी निगरानी करेंगे। ग्रीन लाइन मेट्रो को तौसी देने और ट्रैफिक का रश कम करने के लिए अंडरपासेस और पुल बनाए जाएंगे। गुजरांवाला में मुलाजमा पर तशद्दुद की एक और कहानी सामने आ गई। 7 साल फजीलत पर घर के मालिक और उसकी बीवी ने जुल्म के पहाड़ तोड़े। मीडिया पर खबर चलने के बाद वजीर आला ने रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम बीवी समेत गिरफ्तार। कराची गुलबर्ग में पुलिस की कार्रवाई, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। गिजरी में 2 डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गए। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले, असलहा और लूटा गया माल बरामद। औरंगी टाउन पुलिस ने भी 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। पाक सरजमीन शादबाद। जश्न आजादी पर कराची लियारी के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने एक साथ कौमी तराना पढ़कर वतन को सलाम पेश किया।